हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमिनिन आपके लिए ट्विन फ्लेम की करंट एनर्जी, जो कि इस टाइम मुझे आप लोगों की एनर्जी रिसीव हो रही है। आपके पार्टनर तो बहुत पॉजिटिव है, मैं 5D लेवल पे आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं। विश फुलमेंट चाहते हैं, कम्युनिकेशन चाहते हैं, आपसे अपने दिल का हाल बताना चाहते हैं, प्रपोजल मैरिज सब करना चाहते हैं। बहुत ही पॉजिटिव सोच रहे हैं, लेकिन 5D लेवल पे 3D वर्ल्ड में अभी उनके साथ बहुत कुछ गलत हो रहा है। कहीं ना कहीं उनके ऊपर ब्लैक मैजिक का काम करवाया जा रहा है। मैंने आपको पहले भी अलर्ट किया था कि थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, फैमिली फ्रेंड, कोई अनदर गर्ल या बॉय जो भी आपके अकॉर्डिंग देखेगा, कोई भी हो सकता है, वो ब्लैक मैजिक का काम करवाएगा ही करवाएगा। वो सब आपको मैंने पहले अलर्ट कर दिया था। तो इस टाइम आपके जो पार्टनर का माइंड है वो काम वर्कआउट नहीं कर रहा है, तो उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि एक्शन में क्या लिया जाए, डिसीजन क्या लिया जाए। तो अभी उनका माइंड नंब है, नहीं समझ आ रहा है, लेकिन वो पॉजिटिव है। कहीं ना कहीं वो स्टक हैं, सब कुछ सोच रहे हैं, सेपरेशन के बारे में सोच रहे हैं कि आप लोगों के बीच में जो भी सेपरेशन आया उसकी वजह क्या है, क्यों हुआ, क्योंकि उन्हें उनका माइंड काम ही नहीं कर रहा है। तो वो अभी हार्ट और माइंड में अपना लड़ाई झगड़ा भी करते हुए, साथ में बर्डन, फैमिली बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो फैमिली वाले जान के उनको टॉर्चर कर रहे हैं, उनके ऊपर प्रेशराइज कर रहे हैं, तुम यहाँ पे शादी कर लो, वो कर लो, ये कर लो, मतलब उनके ऊपर प्रेशराइज किया जा रहा है आपके हटाने के लिए। वो कुछ भी करने को तैयार है, थर्ड पार्टी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। कुछ ना कुछ करके वो उनका माइंड डाइवर्ट कर रही है ताकि आपकी तरफ उनका दिमाग ना ही आए। लेकिन आपका पार्टनर अवेकनिंग प्रोसेस में परफेक्टली आ चुके हैं, तो उनका माइंड आपकी तरफ ही है, लेकिन वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि इनका अभी नंब आउट किया गया है थर्ड पार्टी ने, उनको ब्लैक मैजिक करवा के उनके सारे काम को स्टक किया गया है। ठीक है, तो आपके पार्टनर अब इंट्यूशन पावर को अपने बढ़ाने में लगे हुए हैं क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि एक्चुअल में करूं तो क्या करूं। डिसीजन लेना चाहते हैं, नहीं ले पा रहे हैं, कहीं ना कहीं रुकावटें, हर तरीके से रुकावटें पैदा की जा रही हैं ताकि वो आप तक अपना ऑफर ना दे पाए। तो आपके पार्टनर की हालत तो अभी इस टाइम ये है कि उनका तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, वही मैंने आपको बताया था कल भी, सोसाइटल थॉट उनको ये सब आ रहा है, क्योंकि जब वो कुछ कर नहीं पाते हैं या कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं तो उसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम होती है। वो बहुत ज़्यादा ही डीप आप लोगों के रिलेशन को लेके सोचते हैं, चाहते कुछ और है, करते होता कुछ है, इस चीज़ को लेके अपने आप को परेशान, अकेलापन और सब सर कट आउट फील करते हैं। ठीक है, बहुत चाहते हैं कि आप लोगों के साथ ठीक हो जाए, लेकिन ब्लैक मैजिक का असर बहुत ज़बरदस्त है और डेविल अटैक्स भी हो रहे हैं क्योंकि पोर्टल भी आ गया है। ठीक है जी, तो दोनों के ऊपर असर रहेगा, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एंसेस्टर भी आपके, जो हो सकता है एंसेस्टर का भी प्रॉब्लम हो, लेकिन एंसेस्टर का मुझे दिख नहीं रहा है, मुझे ज़्यादातर ये ब्लैक मैजिक का शो हो रहा है। हाँ, और कुछ हो सकता है कि कुछ लोगों के ऊपर शनि की दशा अगर है और वो लोग शनि की वजह से परेशान है, तो आपको एक अलर्ट मैसेज, जो कि डिवाइनली गाइडेड मैसेज जो मुझे अभी रिसीव हुआ है, कि आपको काले छोले अपना दान करने हैं। ठीक है जी, तो हो सकता है कि शनि की दिशा की वजह से भी आपकी प्रॉब्लम आ रही हो आपकी लाइफ में, तो प्लीज़ आप छोले का दान दीजिएगा, काले छोले का। ठीक है जी, तो ये आपके अलर्ट मैसेज भी है और ब्लैक मैजिक का। ठीक है जी, और एंसेस्टर का भी लिटिल बिट हो सकता है, लेकिन एंसेस्टर मुझे शो ऑफ नहीं किया गया है, जो चीज़ बताया है वो ही मैंने आपको बताया है। ठीक है जी, तो अभी आपके ब्लैक मैजिक और डेविल अटैक्स और ये शनि की दशा, ये हो सकता है इनमें से तीनों में कोई भी रीज़न है जो अभी प्रॉब्लम कर रही है, जो कि आपके पार्टनर को अंडरस्टैंडिंग लेवल या आपके साथ कुछ भी बुरा हो रहा है तो उनके पीछे रीज़न हो सकता है। तो आप देखिए, आपको जल्दी से जल्दी रिलीज करवाइए और अपने काले छोरों का दान भी दीजिए। तो ये अब तक की मुझे जो मैसेज रिसीव हुआ, तो हो सकता है आपके पार्टनर बहुत जल्दी रिलीज़ हो जाए इन चीज़ों से, तो ये सब आपके ऊपर है क्या करना है। तो अब तक की ये थी एनर्जी अपडेट जो मुझे रिसीव हुई, और मैं फिर मिलूंगी न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।